गाय को बचाइए, गाय को बचाइए, गाय को मत मारिए, गाय को कटने मत दीजिए, जो गाय को काटेगा हम उसे काट देंगे, गाय हमारी माँ है, हम लोगों के लिए शायद गाय बचाने का अर्थ बस इतना ही है कि गाय को मरने या कटने ना दिया जाए। साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि जिंदा गाय की तकलीफें, जीवित गाय की तकलीफों पर भी ध्यान दिया जाए। मरने के बाद गाय मर जाती है, उसे मारना भी गलत है, उसे काटना भी गलत है, उसके दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या हम जिंदा गायों की सोच रहे हैं? आप अपने शहर में कहीं भी निकल जाइए, कहीं भी निकल जाइए और उन जगहों पर जाइए जहां कूड़े के ढेर पड़े होते हैं। आप पाएंगे कि हर कूड़े के ढेर पर दो चार गायें आपको जरूर मिल जाएंगी। सड़क पर चलती बैठी गाय और बैल ही मिलेंगे। आपने कभी भैंस बड़ी मुश्किल से देखी होगी, भैंस ले जाते हैं लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला के, लेकिन रस्ते में बैठी हुई भैंसें नहीं मिलेंगी आप। आपको रस्ते में बैठी हुई अधिकांशतः गायें, कूड़े के ढेर पर चरती गायें मिलेंगी। तो ये गायों को बचाना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? इस तरीके से कूड़े का प्रबंधन कि उसे गायें चरें, आप जैसा कि सामने वीडियो में देख रहे हैं, गायें कूड़ा खा रही हैं। मैंने इसे फोकस करने की कोशिश करी, गायें कूड़े के साथ थैलियां भी खा रही हैं। गायें तो गायें, उनके बछड़े भी खा रहे हैं। और ये श्रीमान देखिए सामने खड़े हुए हैं जिनको मैंने शूट किया, ये यहां पर आकर गायों को कुछ हरी सब्जी बची घर की खिला रहे हैं, हरे पत्ते प्रकार के कुछ दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोग भी गाय को रोटी खिलाते होंगे मित्रों, आपको ये जरूर लगता होगा कि आप गाय पे बड़ा उपकार कर रहे हो, गाय को रोटी दे रहे हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि गायों को रोटी जब आप देते हैं तो गाय उसके लिए जितना चलती है उसके लिए उस रोटी का कोई खास महत्व तो नहीं रह जाता। दूसरे गाय वाला गाय को ही सोच के सड़क पे छोड़ देता है कि कोई ना कोई, कोई ना कोई तो खिला ही देगा। एक रोटी से गाय का कुछ होता भी नहीं है। एक गाय का पेट भरने के लिए कम से कम 350 रोटियों की जरूरत पड़ेगी, तो आप 350 रोटियां तो आप देने वाले नहीं। दूसरे अधिकतर रखी हुई रोटियां दी जाती गाय को, तो उसका पुण्य तो आपको क्या मिलता होगा, गाय को फूड पॉइजनिंग का पूरा डर रहता है। अगर आपको गाय को रोटी खिलानी है तो अपने नजदीकी गौशाला में जाइए, ताजी रोटी बना के लेके जाइए और उसे वहां पे खिलाइए। इस तरीके से घर पे आई गाय को रोटी मत दीजिए, क्योंकि गाय एक रोटी के लालच में घर से निकल पड़ेगी और गाय का मालिक भी उसे वहीं से निकाल के छोड़ देगा, लेकिन उस रोटी के लालच में वो, उसका पेट तो उस रोटी से भरना नहीं है, फिर वो जाके कूड़ा गंदगी खाएगी और अनजाने में आपको पाप लगेगा। कूड़ा और गंदगी खाएगी तो उसी गाय का दूध फिर आप पिएंगे, तो सोचिए उस गाय के दूध का आपको क्या होगा। एक और बात मुझे कहनी कि गाय को बचाइए में गाय जो लोग पाल रहे हैं और गाय को ठीक से नहीं पाल रहे हैं, उनसे भी गायों को बचाइए, उन लोगों को जागरूक कीजिए। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन गाय को अब भी लगाए जा रहे हैं, गायों को पैर बांध के दुहा जा रहा है, और अगर गाय पैर मार देती है या परेशान करती है तो गाय को दूध वाले अब भी डंडे मारते हैं। तो अगर आप गाय को मां कह रहे हैं तो उम्मीद है आपको ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। इस कूड़े के ढेर पर अगर आप ध्यान से देखें तो गाय के साथ और भी जीव आपको दिखेंगे। कुछ गाय थी, देखिए मेरी ओर देख रही गाय, कुछ गायें थी जब मैं वहां कैमरा उन्होंने निकाला तो मेरी ओर बड़ी हसरत से उन्होंने देखना शुरू कर दिया। वहां पे मैंने देखा कि कुछ लोग जो कूड़ा डालने आते गाय उनकी ओर लपक के बढ़ती हैं, और इस उम्मीद में कि इनके कूड़े में कुछ खाने लायक होगा वो बढ़ती। तो इस तरीके से कूड़े के स्थान पे कुछ खाने की चीज डाल के आप एक तरीके से इनका नुकसान करते हैं। गाय को बचाइए, गाय को कटने से भी बचाइए और गाय को मरने से भी बचाइए, लेकिन जिंदा गाय को बचाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिंदा गाय को स्वस्थ और ठीक प्रकार से रखना, यह भी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उम्मीद है गाय को बचाओ अब अपने संपूर्ण रूप में आप यूज करेंगे।
और इसका कुछ प्रभाव आप पे पड़ेगा। धन्यवाद।